पहले 6 महीने में बिल आता था, लेकिन अब हर महीने किसी के पास 2 तो किसी के पास 5,000 रुपए का बिल आ रहा है। एक दो बीघा वाले कहां जाएं, ये पीड़ा नामली के किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन करते हुए नामली तहसीलदार और विद्युत मंडल अधिकारी के सामने किसानों ने कही। पहले तो साहब 6-6 महीने में बिल आते थे, वहीं अब हर महीने बिल आने लग गए हैं। हम तो कर्जे से ही मर जाएंगे, हम बड़े किसान नहीं हैं, किसी के पास 1 तो किसी के पास 5 से 6 बीघा से जमीन ज्यादा नहीं है। हमारे 29 किसानों का क्या कसूर है जो हमारे खेतों के पिछले बिल हर महीने कर दिए गए, 20,000 से ज्यादा के लगभग अब बाकी बिल हो गए हैं। अगर हमारा समाधान नहीं निकाला तो हम परिजन के साथ आत्महत्या कर लेंगे। जी हाँ, ये पीड़ा नामली विद्युत मंडल के प्रांगण में धरने पर बैठे किसानों ने अधिकारियों को कही। वर्तमान में उपचुनाव का समय है और इस प्रकार किसानों की प्रताड़ना कही चुनावी मुद्दे ना बन जाएं, जहां पर हर पार्टी किसानों के हित की बात करती है और चुनाव के बाद अगर किसान परेशान होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। काय के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ा आपको और क्या है मामला? आज हम नामली बिजली ऑफिस में आए थे। हम लोगों को विगत 6 महीने से हर महीने बिजली का बिल दिया जा रहा है खेत पर, जो किसान के लिए हर 6 महीने में बिल आता था वो बिजली विभाग ने हर महीने चालू कर दिया है और उस पर मीटर भी लगा दिए हैं। और ये अभी बिजली विभाग की एक शुरुआत है। किसानों को मैं समझता हूँ कि ये सभी अभी जनवरी फरवरी में हो सकता है कि हर कुएं पे मीटर लगने की संभावना है। और दूसरी बात ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमें 6-6 महीने के बिल ही दिए जाए और मीटर हटाए जाए, क्योंकि हम हर महीने हमारे 5,000, 6,000, 3,000 ऐसे बिल आ रहे हैं किसानों को हर महीने, तो हम इतना बिल नहीं भर पाएंगे। और किसानों के पास किसी के पास 2 बीघा जमीन है, किसी के पास 4 बीघा जमीन है, और वो इतना बिल कैसे भर पाएगा। इस बात को लेकर हमने आज बिजली विभाग को घेराव किया है, धरना दिया है। अगली क्या रूपरेखा अगर आप अगली अगर रूपरेखा हमारी ये, हमने 1 तारीख तक इनको समय दिया है। 1 तारीख के बाद अगर ये हमारी सुनवाई नहीं करेंगे तो हम लोग किसान लोग यहाँ पर आत्मदाह करेंगे। आपके खुद की खेती है? मेरे खुद के नाम से खेती है, मेरे पिताजी के नाम से खेती है,